नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में पहुंचे हैं और 12:30 के करीब जो है ऐसी जानकारी मिली है कि वो यहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री से अचानक मुलाकात करने पहुंचे और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के इस मुलाकात के खासे अहम मायने जो हैं वो माने जा सकते हैं। तो कृष्णपाल गुर्जर जो हैं वो मुलाकात करके आ चुके हैं। तो कृष्णपाल गुर्जर जो हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने मुलाकात की है। फरीदाबाद के वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री ने मुलाकात की है, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के इस मुलाकात के खासे अहम मायने जो हैं वो माने जा सकते हैं, क्योंकि चर्चाएँ थी कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जल्द ही होने वाला है, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। साथ ही बोर्डों और निगमों के चेयरमैन जो हैं वो अभी उनकी नियुक्ति की जानी है। तो क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जो हैं वो साल 2014 और साल 2019 में लोकसभा में चुनाव में खासी अच्छी परफॉर्मेंस रही और 2019 के विधानसभा चुनावों की अगर हरियाणा की बात करें तो बम्पर सीटें जो हैं वो फरीदाबाद लोकसभा सीट से आई हैं। तो खासा बड़ा कद जो है वो कृष्णपाल गुर्जर का हरियाणा की राजनीति में भाजपा में है। तो अभी कृष्णपाल गुर्जर जरूर चाहेंगे कि उनके जो पसंदीदा विधायक हैं अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या किसी तरीके का फेरबदल होता है तो उनको जो है तवज्जो दी जाए और उनके जो पसंदीदा विधायक है जो उनको मंत्रिमंडल में शामिल ज़रूर करवाना चाहेंगे, चाहे फेरबदल की बात हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है, क्योंकि अभी 12 मंत्री ही हैं। और उधर बोर्डों और निगमों की जो चेयरमैन की नियुक्ति की जानी है उसके लिहाज से भी ये मुलाकात जो है खासी अहम मानी जा रही है। हो सकता है कुछ और अन्य बातें भी हों, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उधर बोर्ड और निगमों की नियुक्ति भी होनी है। तो ज़रूर कृष्णपाल गुर्जर जो है वो चाहेंगे कि उनके विधायकों को, उनके लोगों को जो है वो तवज्जो दी जाए, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर का खासा बड़ा कद भाजपा में भी है और हरियाणा की राजनीति में भी है। साल 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में खासी बड़ी जीत लेकर वो आए थे। 2019 में फरीदाबाद लोकसभा सीट पर जो है दिल्ली एनसीआर एरिया की अगर बात करें तो खासी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो रोल है वो कृष्णपाल गुर्जर का ज़रूर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और दो मंत्रियों का विस्तार जो है वो भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो दो मंत्री और बनाए जाने हैं, 12 अभी मंत्री हरियाणा में हैं, हरियाणा कैबिनेट में हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी ज़रूर जो है कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने ज़रूर रखी होगी। ये मुलाकात जो है वो 12:30 के आसपास जो है कृष्णपाल गुर्जर मुख्यमंत्री आवास पर आए थे मुख्यमंत्री से मिलने और अब 2:20 के आसपास का वक्त है जब कृष्णपाल गुर्जर यहां से मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ से अब निकले हैं और उन्होंने इतनी देर तक जो है मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की और बातचीत की है। कृष्णपाल गुर्जर का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने सिर्फ स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है मुख्यमंत्री के साथ बात की है। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह, नमस्कार।